हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल्स बल्लू भाई एंटी। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ टाटा सफारी का वैक्यूम पाइपलाइन, जो वैक्यूम का पाइपलाइन आता है उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। कि बहुत से मेरे व्यूअर्स लोगों ने बोला था मुझे कि वैक्यूम पाइपलाइन के ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो फ्रेंड्स, आज ये इस गाड़ी में और दूसरा कोई भी गाड़ी में हो, नॉर्मली सेम रहता है। वैक्यूम पाइपलाइन के बारे में मैं बताऊंगा, उसके पाइप किधर किधर लगते हैं, उससे क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, उससे क्या क्या गाड़ी का सिचुएशन हो सकता है, बंद पड़ सकती है, मिसिंग कर सकती है, पिकअप लो सकती, वो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, ये है टाटा सफारी का 2.2 गाड़ी इंजन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा, ये देखिए, इसको बहुत से गाड़ियों में जैसे कि इंडिका में है या TDI इंजन में ना, अल्टरनेटर के अंदर वैक्यूम पंप आता है, जो BS2 BS3 इंजन थे फ्रेंड्स, उसके अंदर स्पेशली वैक्यूम के लिए उन्होंने अल्टरनेटर में एक वैक्यूम पंप दिया है जो ऑयल से चलता था और वैक्यूम तैयार करता था। लेकिन 2.2 में वैसे चले, लेकिन वो जो वैक्यूम पंप दिया गया है वो अल्टरनेटर में नहीं दिया गया, वो दिया है इसके कैम में दिया है फ्रेंड्स। ये देखिए कैम जो अंदर आता है टैपेट कवर के नीचे, यहाँ पर जो आता है कैम अंदर, उसको यहाँ पे दिया गया है। देखिए, मैं दिखाता हूँ, ये जो दिख रहा है, ये देखिए, ये है वैक्यूम पंप, ये उसका पाइप है, मेन पाइप, और ये उसका वैक्यूम पंप है फ्रेंड्स। तो ये इसके थ्रू से जितना भी वैक्यूम लाइन है हमारा, जैसे यहाँ पे ये EGR है, ये टर्बो है, ये सब, और ये ब्रेक बूस्टर है, ये सब वो वैक्यूम पंप से चलता है जो कैम के अंदर दिया गया है। तो मैं बताऊंगा फ्रेंड्स, तो कि सबसे पहले ये देखिए, इसका मेन पाइप है, ये पाइप में अगर प्रॉब्लम आया तो तुम्हारा ब्रेक हार्ड होगा और चेक इंजन लगेगा, पिकअप लो होएगा, गाड़ी झटके भी लेगी। तो ये मेन पाइप है वैक्यूम का, वैक्यूम पंप से निकला हुआ मेन पाइप है। फिर उसके बाद ये देखिए, ये रिटर्न एक छोटा पाइप है जो टर्बो के लिए EGR के लिए गया है, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, ये छोटा पाइप यहाँ से गया है, यहाँ से बीच में एक छोटा डब्बी दिया गया है फ्रेंड्स। ये देखिए, यहाँ पे छोटा डब्बी है, ये देखिए, वहाँ पे एक टी दिया है फ्रेंड्स, और फिर नीचे साइड में यहाँ पे एक उसको एक डब्बा दिया है वैक्यूम का। ये देखिए, ये वाला जो है, ये वैक्यूम का डब्बा है जो अपना EGR के लिए और टर्बो के लिए जो वैक्यूम आता है उसको वहाँ पे स्टोर करके रखने के लिए एक्स्ट्रा वहाँ पे दिया गया है। वहाँ से ये पाइप है, देखिए, ये पाइप जो है यहाँ पर आता है, और यहाँ पे जो एक्चुटर है, दो एक्चुटर आते हैं इसको, इसको दो एक्चुटर आते फ्रेंड्स, ये वाले, ये एक्चुटर में दोनों, वो मेन जो पाइप आया था वो इसमें आ जाता है। इसमें आ जाने के बाद एक एक्चुटर है EGR का, ये देखिए, ये है EGR वॉल, ये EGR वॉल है, EGR से डायरेक्ट, ये देखिए, ये पाइप इस एक्चुटर को लगा है, इसको बोलते हैं एक्चुटर, EGR एक्चुटर, जो कि ECU से चलता है। ये बैटरी, इसको फ्यूज भी कुछ नहीं है, ये ECU से चलता है, ECU के जितना RPM है उस पर EGR कंट्रोल होता है। तो ये बंद चालू होता है फ्रेंड्स, तो ये इसका मेन पाइप यहाँ से आके इसको कनेक्ट हुआ है, और ये यहीं से यह पाइप EGR में लगा है जो कि इधर से कनेक्टेड है। और दूसरा जो एक्चुटर है, टर्बो एक्चुटर बोलते हैं इसको, ये है EGR एक्चुटर इसको बोलते, और ये वाला जो है, ये वाला टर्बो एक्चुटर बोलते हैं। देखिए, इसका जो पाइप है यहाँ से घूमकर यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे टर्बो में आया, ये देखिए, ये टर्बो है, ये टर्बो है, ये टर्बो का वॉल है, यहाँ से इसका पिन, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये ऊपर नीचे होता है जब हम गाड़ी चालू बंद करते हैं, तो ये ऊपर नीचे होता है, क्योंकि जैसा इसमें वैक्यूम आएगा, इसको बूस्ट होएगा, ये खींचेगा, वैक्यूम करेगा, तो लेकिन ये वॉल ओपन होएगा और अंदर से उसका टर्बो चालू होएगा। तो ये पाइप इधर से डायरेक्ट ये इस एक्चुटर में गया, और इसको भी सॉकेट ECU से आता है, और ये भी ECU कंट्रोल करता है, और इसका पाइप एक वो मेन पाइप नीचे से जो आया, ये वाला, ये इसको भी कनेक्टेड है, ये वाला, और ये यहाँ से जाता है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स,
और जो इसका एक्चुएटर के पीछे जो पाइप दिया है, क्योंकि एक्चुएटर को 3 पाइप दिया गया है, ये देखिए वहाँ से मेन आया हुआ वैक्यूम का पंप का ही है। ये वाला जो है पाइप, ये मेन पाइप है फ्रेंड्स। ये देखिए यहाँ पे एक कनेक्टर दिया है, इसमें भी है और इसमें भी है। ये जो सामने का है ये मेन लाइन है मेन वैक्यूम का, ये आउटपुट है। ये देखिए ये, और ये भी आउटपुट है। और लेकिन इसके पीछे भी एक पाइप दिया गया है, ये देखिए ये वाला, ये इसीलिए दिया है फ्रेंड्स ताकि, ये देखिए ये किधर गया, ये एयर फिल्टर में गया। ये दोनों मिलके यहाँ से एक हुआ है, यहाँ से एक। ओके, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से, ये देखिए यहाँ पे गया, वहाँ से घूम के एयर फिल्टर में गया। एयर फिल्टर में इसीलिए गया है क्योंकि उधर से आगे से आने का टाइम अगर उसको वैक्यूम कम भी पड़ा, समझो उधर से आने के लिए उसको वैक्यूम कम पड़ रहा है, तो वो वैक्यूम वो एडजस्ट करने के लिए एक्स्ट्रा इधर से दिया गया है। क्योंकि एयर फिल्टर का जो यहाँ से निकलता है ये भी वैक्यूम का ही काम करता है, एक्स्ट्रा देता है। अगर वहाँ से वैक्यूम कम पड़ रहा है तो यहाँ से एक्स्ट्रा वैक्यूम दे देता है। तो ये भी रिटर्न पाइप है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ज़्यादा। लेकिन ये भी कंफर्म दिया गया, मतलब इसको भी फूटना नहीं चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, बहुत सी बार पाइप फूट जाता है। और हम बात करते हैं अभी इसका टर्बो का वाल। देखिए फ्रेंड्स, बहुत से बार मैंने इधर सामने है ना ऐसा कट देख का है, क्योंकि ये पाइप यहाँ से अगर कट रहता है ना फ्रेंड्स, तो तुम्हारा टर्बो का वाल है ना फ्रेंड्स, टर्बो का वाल बहुत से बार क्या हो जाता है माल में, चालू बंद हो जाता है, जिससे कि हमारा पिकअप है ना छोड़ देता है बीच में, चालू में पिकअप छोड़ देता है, ऊपर नीचे हो जाता है, और जिससे गाड़ी को चेक इंजन में लग जाता है, बूस्ट प्रेशर लो बोल के या बूस्ट प्रेशर लो बोल के फेल बोल के एरर आ जाता है। अगर ये पाइप का वैक्यूम का प्रॉब्लम हो रहा है, टर्बो का प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये पाइपलाइन का या फिर ये जो एक्चुएटर आया है, जो टर्बो का एक्चुएटर है, इसका वायर भी अगर किधर कट रहेगा तो भी वो एरर आएगा और ये चलेगा भी नहीं फ्रेंड्स। तो ये पाइपलाइन ऐसा है फ्रेंड्स। और ये तो हुआ ईजर का एक्चुएटर का, और उसका भी वायरिंग कट हुआ है, तो लेकिन अंदर चेक इंजन लाइट आ जाएगा, एरर बता देगा ईजर वायरिंग शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट बोल के। और ये भी आपको पता चलेगा, आप चालू में चेक कर सकते हैं लैपटॉप पे इसका ईजर चल रहा है कि नहीं, क्योंकि 2200 के ऊपर ईजर चालू बंद होते रहता है, क्योंकि वो एक एग्जॉस्ट गैस रिसोल्यूशन करता है फ्रेंड्स, ईजर का मतलब। और ये टर्बो का तो कंटिन्यू चालू चाहिए, जैसा हम गाड़ी चालू करेंगे वैसा ये चालू होना चाहिए कंटिन्यूली। दोस्तों अभी मैं आपको चालू करके दिखाता हूँ, ये देखिए इसका वॉल, ये देखिए जो टर्बो का वॉल है, यहाँ पे नीचे जो बोल्ट दिख रहा है नट, ये गाड़ी चालू करने के बाद वो ऊपर नीचे होना चाहिए, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें चालू करो, ऊपर गया, अभी फिर बंद करके देखेंगे, बंद करो। अभी देखेंगे, अभी नीचे गया, ये देखिए अभी नीचे गया, तो ये ऊपर नीचे होना चाहिए, जिसका मतलब है टर्बो का वॉल चल रहा है, टर्बो भी इसका काम कर रहा है, क्योंकि अंदर घूम रहा है तो वो तो अलग बात है, लेकिन इसका वॉल चालू बंद हो रहा है ये हमको इससे पता चलता है। ये मतलब ये वैक्यूम का पाइप हमारा ओके है यहाँ से यहाँ तक। अगर ये फटा हुआ है, टूटा हुआ है, तो फिर वो वॉल जो अभी मैंने दिखाया वो काम नहीं करेगा। और बात ये हो गया हमारा ईजर का और टर्बो का। अभी हम बात करते हैं इसका ब्रेक बूस्टर का फ्रेंड्स। अभी हम बात करते हैं इसका ब्रेक बूस्टर, ये देखिए ये ब्रेक बूस्टर है फ्रेंड्स, ये अंदर साइड में ये मास्टर सिलेंडर है ब्रेक का, और ये ब्रेक बूस्टर है फ्रेंड्स, जो कि चलता है हमारा वैक्यूम सेच, क्योंकि मैंने आपको बोला था, ये देखिए यहाँ पे ये उसका अंदर जो दिया गया है वो है वैक्यूम पंप, जो अभी मैंने बताया उसका ये पाइप है, ये पाइप मेन पाइप सबसे ज़्यादा ब्रेक के लिए इसको वैक्यूम यूज़ होता है। बाकी इससे अगर ये पाइप में ये वॉल इधर एक ये वॉल ख़राब हो गया या फिर ये पाइप लीकेज हो गया, ये पाइप दब रहा है, क्योंकि क्या होता है जब पाइप एकदम नरम होता है तो ऐसा दबने लगता है, तो ये पाइप भी अगर ख़राब हो गया तो आपका ब्रेक हार्ड होएगा, ब्रेक जल्दी दबेगा नहीं, ब्रेक जाम हो जाएगा, ब्रेक लगेगा भी नहीं, फास्ट बूस्ट नहीं रहेगा ब्रेक के अंदर। तो ये पाइप लाइन से आपको देखना है यहाँ पे टूटा हुआ है क्या, डैमेज है क्या, या यहाँ पे नीचे डैमेज है क्या,
ये तुमको चेक करना है फ्रेंड्स, इसको एक गेज भी आता है उसमें पाइप में लगा के तुम देख सकते हैं कि इसका वैक्यूम सही तरीके से तैयार हो रहा है क्या नहीं है। तो एक ऐसा देख सकते हैं, अगर ये पाइपलाइन ओके है, वैक्यूम पंप भी ओके है, तो इसका इसके बाद फिर इसका बूस्टर का प्रॉब्लम हो सकता है फ्रेंड्स। तो ये हो गया इसका पूरा वैक्यूम लाइन का फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया या और आप कुछ पूछना चाहते हो तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ये हो गया इसका वैक्यूम का पाइपलाइन का फ्रेंड्स। कुछ नहीं, ये पाइप सब इजी है बिठाने के लिए, मैंने दिखा दिया कौन सा पाइप किधर जाता है। यहाँ से घूम के एक पाइप इधर आया, एक पाइप इधर आया, और ये दोनों को चलाने के लिए है, और एक रिटर्न पाइप है जो कि यहाँ से एयर फिल्टर से जाता है, और यहाँ से इसका मेन पाइप है, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा डब्बा दिया है, उसका कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक वैक्यूम स्टोर करके रखने के लिए, कभी कम नहीं पड़ना चाहिए। जैसे स्टोरेज डब्बा है, उसको बॉटल भी बोल सकते हैं एक भाषा में। तो ये हुआ फ्रेंड्स इसका वैक्यूम लाइन का, पाइपलाइन का, वैक्यूम का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को।